15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक टिहरी जिले में युवा कल्याण विभाग द्वारा खेल महाकुंभ का आयोजन करवाया जा रहा है। जिला युवा कल्याण अधिकारी पंकज तिवारी ने युग लाइव से बातचीत में बताया कि 1 नवंबर से 16 नवंबर तक न्याय पंचायत स्तर पर, 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक विकास खंड स्तर पर जनपद स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें पुरस्कार स्वरूप धनराशि भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता अंडर 14 एवं अंडर 17 स्तर पर होगी, जिसमें कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल प्रतियोगिता शामिल होंगी। हमारा चलेगा 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में अपने विद्यालय के जो नया पंचायत है, संयोजन विद्यालय, वहाँ पे हमें नया पंचायत स्तर के खेल महाकुंभ कराना है। उसके पश्चात जाएगा दूसरे चरण में, दूसरा चरण जो हमारा है विकास खंड स्तर का, जिसमें कि ये हमारा 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच हो जाएगा, क्योंकि इस बीच शिक्षा विभाग की भी काफ़ी खेल प्रतियोगिता हो रही है और हम शिक्षा विभाग के आपसी समन्वय से उनके जो हमारे ग्राम शिक्षक हैं उनके सहयोग से कराते हैं, उनके विद्यालय के फील्ड हैं, तो उनसे आपसी सामंजस्य किया जा रहा है कि डेटे आपस में प्लेस में हो। और जब हमारा ब्लॉक लेवल समाप्त हो जाएगा उसके पश्चात हमारे पास है जनपद लेवल, जो कि हमारे पास 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक हमें कराना है, जो कि हम बोराड़ी में स्टेडियम में से कराएंगे। हम 1 से 7 के बीच यहाँ जनपद में करवा देंगे और ये हमारा 4 कैटेगरी में हो रहा है, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 20 एंड अंडर 23। साथ ही विशेष बात ये भी इसमें कि इसमें दिव्यांगजनों के लिए भी है, जो कि सीधा डायरेक्ट एंट्री आपके राज्य स्तर पर है, फॉर्म को पंजीकरण यही कर सकते हैं। और विशेष रूप से इसमें ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है और हमारे पास ऑनलाइन पंजीकरण डाटा हर ब्लॉक, हर विकासखंड, हर विद्यालय से लगातार से बढ़ता जा रहा है और कोशिश ये है कि हम अधिक से अधिक इसमें ऑनलाइन ही पंजीकरण करें। और जो योजना है सरकार की वो ये है, हमें जो निर्देश मिले हैं कि हम इसे DBT के माध्यम से प्रत्येक बच्चे को इसकी धनराशि पहुँचाएँ। सर कितना मतलब क्या क्या इसमें खेल रखे गए हैं, क्या क्या खेल हो सकते हैं इसमें? इसमें एथलेटिक्स है, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कुछ गेम ऐसे हैं जिनकी डायरेक्टली ब्लॉक लेवल में और जनपद लेवल में है, जैसे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल में बैडमिंटन हो गया, फुटबॉल हो गया, ताइक्वांडो, जूडो, ये सब हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल में रखे गए हैं। साथ ही जो दिव्यांग वाले हैं वो सीधा स्टेट लेवल में, और विशेषकर हम टिहरी में इस बार हम इस पर पहली बार जनपद स्तर पर मलखम करवाएंगे, तो उसके लिए जो उसके खंभे हैं मलखम के विशेष रूप से उसके कितने आते हैं, उसके जो गद्दे हैं, जो मैट्रेस उसके अलग से आती हैं, तो वो हम इस बार टिहरी में कराएंगे। तो ये विशेष आकर्षण रहेगा कि मलखम का भी जो हम बच्चे उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रोत्साहित होना चाहते हैं, तो उनको लेके हम मलखम जो एसोसिएशन है उनसे बात कर रहे हैं, जो फेडरेशन से हमारे पास नाम भी आ गए, कौन उनका प्रभारी है टिहरी जनपद के लिए, तो मलखम विशेष रूप से क्योंकि हमारा एक पारंपरिक खेल है और शारीरिक स्वास्थ्य और फिजिक के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए, तो मलखम इस बार हमारा डायरेक्ट जनपद लेवल में कराया जाएगा और उसमें धनराशि भी है इसमें। अच्छा, ग्राम पंचायत स्तर पर 300 रुपये, 200 रुपये, 150 रुपये, ऐसी अपना जो अपना ब्लॉक लेवल होगा हमारा उसमें भी हमने धनराशि रखी है जो सरकार के द्वारा प्रावधान किया गया है, 500 रुपये, 400 रुपये और 300 रुपये। साथ ही जनपद स्तर में हमने 800 रुपये और 600 रुपये और 400 रुपये प्राइज रखा है। इसी प्रकार आपका जो बच्चा यहाँ से चयन होकर राज्य में जाएगा उसके लिए 1500 रुपये प्रथम प्राइज है, 1000 रुपये दूसरे प्राइज है, इसके बाद तीसरे प्राइज 700 रुपये है, तो ये धनराशि बढ़ती जाएगी न्याय पंचायत टू ब्लॉक, ब्लॉक टू डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट टू स्टेट।